एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने डिफरेंशियल की प्रैक्टिस के लिए बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी कर चुके हैं तो आप ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, अगर नहीं किए तब भी बच्चों आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि डिफरेंशियल बच्चों आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा मार्क में आता है। कैलकुलस बच्चों समझ लीजिए आपका 50% पोर्शन जो है मैथ का वो कैलकुलस ही होता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख चुके हैं, हमारा फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आज जो बच्चों हमारा है वो सेकंड वीडियो है और हम बच्चों डिफरेंशियल के 1x1 क्वेश्चन सभी कर रहे हैं विद प्रैक्टिस बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो कौन सा है और किससे रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है बच्चों वो है साइन 3x बच्चों, बिल्कुल इजी लेवल से लेके चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका टेन 2x हो गया बच्चों आपका, और एक मान लीजिए बच्चों आपका हो गया, ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन e टू दी पावर x। ये तीनों क्वेश्चन है बच्चों, तीन क्वेश्चन आपको करने हैं, देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। अगर आपने बच्चों आप हमारा बेसिक नहीं देखा है तो आप बच्चों कैलकुलस का बेसिक भी हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बच्चों विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसका करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहा हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स, तो बच्चों किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 3x का। तो बच्चों अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा, तो क्वेश्चन का लेवल बच्चों जीरो लेवल से लेके हम मॉडरेट होते हुए बच्चों हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो साइन 3x बच्चों, साइन का कितना होता है बच्चों, साइन का हो जाता है कॉस, कितना हो जाता है कॉस, तो कितना हो गया कॉस 3x। साइन का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, तो साइन 2x का कितना हो जाता है कॉस 2x, साइन 3x का कॉस 3x, साइन ई टू दी पावर एक्स का कॉस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो जो भी बच्चों साइन में होता है फंक्शन वो किस में चला जाता है, कॉस में, लेकिन ये x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, तो किसका करेंगे बच्चों 3x का, किसका करेंगे 3x का। तो आप जानते होंगे बच्चों, आपने बेसिक में सीखा होगा कि x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना रिमेनिंग होगा बच्चों 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 cos 3x, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 cos 3x, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बच्चों अपने लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, लेकिन बेसिक से देखें बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक है तो मैं चाहता हूं बच्चों आप क्वेश्चन को बेसिक से देखने का प्रयास करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है बच्चों टेन 2x, कौन सा है बच्चों टेन 2x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डी ओवर डी एक्स, कितना हो जाएगा बच्चों आपका टेन 2x, किसका कर रहे हैं बच्चों टेन 2x का। तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं बच्चों, पहले 10 का कर रहे हैं बच्चों, किसका कर रहे हैं 10 का, तो 10 का बच्चों कितना हो जाएगा, तो आप जानते होंगे बच्चों 10 का कितना हो जाएगा sec square x, कितना हो जाएगा sec square, और 10 में क्या था 2x, तो यहाँ पर भी कितना पहुँच जाएगा 2x। तो 10 का क्या होता है बच्चों sec square, लेकिन 10 में क्या है 2x, तो कंपोजिट फंक्शन है, तो 2x का अगेन डिफरेंशिएशन, तो जैसा कि बच्चों आपने ऊपर किया था 2x का कितना हो जाएगा 2, क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 2 sec square 2x, ठीक है बच्चों, बिल्कुल मॉडरेट लेवल से लेके चल रहे हैं बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी के अलावा बच्चों आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज आपका जो मैथ है बच्चों वो वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों साइन ई टू दी पावर एक्स, क्वेश्चन है बच्चों आपका साइन ई टू दी पावर एक्स, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में, और क्या करेंगे बच्चों डी ओवर डी एक्स, किसका कर रहे हैं बच्चों साइन का, तो साइन ई टू दी पावर एक्स, तो बच्चों साइन का कितना होता है आप जानते होंगे, साइन का होता है कॉस, तो मैंने बताया था साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन टी का, कॉस टी साइन टू एक्स का कॉस टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो ई टू दी पावर एक्स का बच्चों एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू दी पावर एक्स, ई की पावर एक्स का बच्चों कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर हो गया बच्चों आपका e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आगे लिख दिया बच्चों, और cos e टू दी पावर x। तो ये थे बच्चों हमारे तीन क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका log 5x, कितना है बच्चों log 5x, डिफरेंशियल जरूर कीजिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले ही, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं बच्चों, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं या टेलीग्राम पर जाकर भी दे सकते हैं बच्चों, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
तो ये थे बच्चों हमारे तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ अलग क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका लॉग 10x लॉग लॉग एक्स, टू टाइप्स है बच्चों, लॉग 1 प्लस साइन एक्स और लॉग 10x बाई 2। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने डिफरेंशियल नहीं किए हैं तो देखिए, तो बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए बच्चों देखते हैं क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स, तो किसका करेंगे बच्चों, लॉग 10x का, किसका बच्चों, लॉग 10x का। तो लॉग 10x का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होता है आप जानते होंगे, लॉग का कितना होता है 1 अपॉन, कितना होता है 1 अपॉन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10x, कितना आ जाएगा बच्चों 10x, क्योंकि लॉग x का कितना होता था बच्चों 1 अपॉन x, तो लॉग 10x का 1 अपॉन 10x, लॉग साइन x होता तो 1 अपॉन साइन x, लॉग कोट x होता तो 1 अपॉन कोट x, जो भी बच्चों लॉग में फंक्शन होगा वो 1 अपॉन में जाता है आप जानते होंगे। तो लॉग 10x का कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन 10x, तो 10x का बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स 10x, तो आप जानते होंगे बच्चों 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x, कितना होता है sec स्क्वायर x और 10x। तो आंसर तो बच्चों यही है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन cos² x, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका sin x / cos x, क्लियर बच्चों। एक कोस से आपका कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बच्चों आपका रिवर्स में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin x / cos x, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 10x, कितना आ गया आपका आंसर 10x, क्लियर बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। 1 अपॉन cos² x बच्चों, और यहाँ से कितना हो गया sin / cos, तो ये साइन बच्चों ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10x, कितना आ जाएगा बच्चों 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 2 बच्चों इसका। तो बच्चों अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा जरूर। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट, लॉग लॉग एक्स बच्चों, लॉग में क्या है, लॉग एक्स है सेकंड पार्ट में, तो डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों हम इसका, तो क्या हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स, किसका कर रहे हैं बच्चों, लॉग लॉग एक्स का, लिख लीजिएगा बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस लॉग के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो लॉग में बच्चों जो भी फंक्शन होता है वो कहाँ जाता है 1 अपॉन में, कहाँ जाता है 1 अपॉन में, क्लियर बच्चों। चाहे मैंने बताया था आपको लॉग एक्स हो तब 1 अपॉन x, लॉग साइन एक्स हो 1 अपॉन साइन x, लॉग टी हो 1 अपॉन t, लॉग पी होगा था बच्चों 1 अपॉन p, अगर p के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन क्या है लॉग लॉग एक्स, तो लॉग एक्स कहाँ था बच्चों लॉग में, तो ये फंक्शन भी कहाँ जाएगा डिवाइड में, कंपोजिट फंक्शन था, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स, किसका बच्चों लॉग एक्स का, किसका बच्चों लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का कितना होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, तो वो होता है 1/x, कितना होता है 1/x, क्लियर। तो 1/x बच्चों आपका आगे आ जाएगा 1 अपॉन x, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x और इंटू 1 अपॉन log e/x, या बच्चों डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 अपॉन x log e/x, ये बच्चों आपका आंसर, इधर ये भी आपका आंसर हो चुका था, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चों वीडियो की प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे बच्चों आप आज की डेट में NCERT को ही फॉलो कर रहे हैं, और NCERT में बच्चों क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ये मैंने आपको प्रॉब्लम में भी दिया था अगर आपने देखा हो फर्स्ट वीडियो में, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ बच्चों, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स लॉग, कितना हो गया बेटा 1 प्लस साइन x, कितना हो गया 1 प्लस साइन x। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों लॉग में जो डिफरेंशिएशन होता है, तो लॉग का कितना होता है बच्चों 1 अपॉन, कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है। और इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, अभी तो लॉग के अकॉर्डिंग किया है, लॉग में जो भी फंक्शन होता है वो किस में आ जाता था 1 अपॉन में, अब इसका बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है तो किसका करेंगे 1 प्लस साइन x का, ठीक है बेटा यहाँ तक, तो 1 अपॉन साइन x का करेंगे, तो बच्चों ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन x,
सॉरी बच्चों, डिफरेंशिएशन किसका करना, 1 प्लस साइन एक्स का। तो 1 बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना होता है 0, और साइन का बच्चों कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, ये हो गया कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बच्चों थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसका पार्ट नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट देखिएगा जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बच्चों, डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। कीजिएगा बच्चों, कैसे हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे बच्चों, लॉग टेन एक्स बाई टू का। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से करना क्योंकि इसका आंसर बड़ा छोटा आता है। तो लॉग का करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/10। ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों, लॉग में जो भी फंक्शन है वो कहाँ चला जाता है, 1/ में। ठीक है, लेकिन बच्चों अब किसका करेंगे, 10 का। तो डी ओवर डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, 10 का। तो 10x बाई 2 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो 10 का कितना होता है, तो 10 का होता है बच्चों कितना, sec स्क्वायर। कितना होता है, sec स्क्वायर। तो देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/10 एक्स बाई 2, और ये 10 का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। क्लियर बच्चों, ध्यान से समझें बच्चों। अभी क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, पहले बच्चों हमने किसका किया था, लॉग का, और लॉग का कितना होता है 1/, फिर किसका किया, 10 का, और 10 का कितना हो गया x बाई 2। अब बच्चों ये भी x नहीं है यहाँ पर, कितना था x बाई 2, तो x बाई 2 का बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा, x बाई 2 का। तो देखिए बच्चों 1/10 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा cot x बाई 2, कितना हो जाएगा cot x बाई 2, और इंटू में हो गया sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बेटा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो ये हो गया 1/2। क्लियर, लेकिन बच्चों इसको जब सिंपलीफाई करते हैं तो आंसर कुछ और आ जाता है। देखें किस तरीके से चेंज हो जाएगा। कोट का मतलब क्या होता है बच्चों, कोट का मतलब होता है cos x by 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, sin x by 2। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपका 1/ cos square x by 2 sec का मतलब, और इंटू में क्या था बच्चों, 1/2। क्लियर, तो देखिएगा बच्चों यहाँ से ये है cos x by 2, ये है आपका स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/2, आगे लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा sin x by 2 और cos x by 2। समझ रहे हैं बच्चों, तो कितना हो गया 1/2 sin x by 2 और cos x by 2। ठीक है, तो बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, किसका होता है, sin 2x का। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 1/ sin 2 इंटू एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, कितना बचा आपका 1/ sin x, कितना बचा बच्चों आपका 1/ sin x। और इस तरीके से जो आपका आंसर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, cosec x, कितना हो जाएगा cosec x। बेहद ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, और डिफरेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों रिपीट हो चुका है। क्लियर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसके चारों टाइप मैंने करा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे आपको देना था, तो वो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर नहीं होता है बच्चों तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका लॉग बेस ए, और ये है बच्चों आपका साइन एक्स। ध्यान रखें बच्चों बाकी सभी क्वेश्चन में और इसमें छोटा सा डिफरेंस है, इन सभी के बेस में बच्चों ई होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है, ई होता है। लेकिन बच्चों इस बार जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है वो क्या है, लॉग बेस ए। अगर आपसे हो जाता है बच्चों तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, टेलीग्राम पर कीजिएगा बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप बच्चों भेज सकते हैं। तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। साइन में फंक्शन है बच्चों लॉग एक्स, यहाँ पर साइन में फंक्शन है टेन एक्स, ये साइन के साथ कॉस एक्स, और ये कॉस के साथ कॉस एक्स। बच्चों मतलब क्या हुआ बच्चों, ये भी आपके कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन बच्चों आपको किस तरीके से करने हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में इसका करने जा रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन गिवन है आपको साइन लॉग बेस ई और एक्स, ठीक है। तो देखें बच्चों जरा क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, तो बच्चों कैसे करेंगे, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है बेटा, और ये किसका करेंगे हम, साइन
लॉग ई बेस एक्स, ठीक है बेटा। और साइन का अगर आप करते हैं बच्चों तो कितना हो जाता है साइन का, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन, सॉरी साइन का कितना होता है बच्चों कॉस, कितना होता है कॉस लॉग ई बेस एक्स। बच्चों आप जानते होंगे साइन का कितना होता है कॉस, साइन एक्स होता तो कितना हो जाता है कॉस एक्स, साइन टी होता है टी के रेस्पेक्ट में करते तो कॉस टी, साइन ई की पावर एक्स होता तो कॉस ई की पावर एक्स, साइन लॉग एक्स है तो बच्चों कितना हो गया कॉस लॉग एक्स। लेकिन चूंकि बच्चों कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का बच्चों कितना होता है वन अपॉन एक्स, कितना होता है वन बाई एक्स, और ठीक है, और किसका कर देंगे बच्चों कॉस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और लॉग एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया कितना आ गया वन अपॉन एक्स, एक ही स्टेप में बच्चों मैंने आगे लिख दिया, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन साइन लॉग एक्स का। आइयो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लेके चलते हैं आपको, और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका डी ओवर डी एक्स। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है बच्चों आपका साइन टेन एक्स, ठीक है बेटा। और साइन टेन एक्स का बच्चों अगर आप देखते हैं तो साइन का हो जाएगा कितना डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल कर रहा हूँ बच्चों डायरेक्ट साइन टेन एक्स, तो आप जानते होंगे बच्चों साइन का कितना होता है, तो साइन का होता है बच्चों कॉस, और ये क्या हो जाएगा कॉस टेन एक्स, ठीक है क्लियर बच्चों। तो टेन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टेन एक्स, आगे लिख दिया बच्चों, आप चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन बच्चों आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो नेक्स्ट है बच्चों मैं इसका इस बार फोर्थ पार्ट लेके चल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे बच्चों थर्ड पार्ट जो है इसका वो आपको खुद ही करना है, कॉस कॉस एक्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, इसीलिए बच्चों मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ बच्चों। कौन सा फोर्थ पार्ट देखें जरा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स किसका बच्चों कॉस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। कॉस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का करते हैं बच्चों कितना आता है माइनस साइन कॉस एक्स, इस कॉस के किया करो बच्चों कितना आ गया साइन कॉस एक्स। अब इस कॉस का बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन होगा, कंपोजिट फंक्शन था डी ओवर डी एक्स, किसका हो गया बच्चों कॉस एक्स का, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस साइन कॉस एक्स, ठीक है बेटा। और कॉस एक्स का कितना होगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स, ठीक है अब समझ गए होंगे कितना होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, क्लियर बच्चों। तो ये थे हमारे आज के तीन क्वेश्चन, जो इसका बच्चों आपका थर्ड पार्ट है वो आपको खुद करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, नहीं होते हैं तो भी बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भी डिस्कस करें, और आपकी कोई ज़्यादा क्वेरीज हैं आप अदर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं, मैं आपको बच्चों कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। और तो बच्चों पहला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू गिवन आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों बेहद ईजी है, अगर आप चाहें तो इसका क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देने वाला हूं यहां से, और वो क्वेश्चन है बच्चों आपका ईजी सा है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, और थर्ड पार्ट बच्चों जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, क्लियर बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।